सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग। फिर से आप सभी का स्वागत है शिखरम इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर। आज हम पार्ट थ्री में पढ़ने वाले एसक्यूएल के फंक्शंस, जो कि होने वाले न्यूमेरिक फंक्शन, डेट फंक्शन एंड एग्रीगेट फंक्शन। तो बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं, चलिए लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सबसे पहला अपना फंक्शन है एसक्यूएल न्यूमेरिक फंक्शन एंड मैथ फंक्शन, जिनको मैथ फंक्शन भी बोला जाता है बेसिकली। सबसे पहला है एबीएस फंक्शन। एबीएस, इट रिटर्न्स द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द नंबर। क्या करता है ये? एब्सोल्यूट वैल्यू को रिटर्न करता है। कंफ्यूज मत होना सर, ये एकदम से फंक्शंस कहाँ से आ गए। दिस इज अ पार्ट ऑफ अ एसक्यूएल, जिसमें अपने को एसक्यूएल के फंक्शंस को समझना है, एसक्यूएल के क्लॉजेस को समझना है। क्लॉजेस अपन नेक्स्ट पार्ट में समझेंगे। तो दिस आर द थिंग्स जो कि अपने को क्लियर करते जानी धीरे धीरे। सबसे पहला है एबीएस रिटर्न फंक्शन। एबीएस रिटर्न द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द नंबर। क्या करता है? एब्सोल्यूट वैल्यू रिटर्न करता है। अब इसको लिखने का तरीका, ये सिर्फ तीन लाइन में खत्म हो जाता है। सबसे पहला है इसकी एबीएस की डेफिनेशन एक लाइन वाली, सेकेंड है उसका सिंटेक्स, थर्ड है उसका आउटपुट। सिंटेक्स में क्या लिखना है? सिलेक्ट फंक्शन के हेल्प से अपन एबीएस फंक्शन चला रहे हैं, जिसमें अपन ने क्या करा, -243.5। ये क्या है? एक नंबर है। उसके बाद क्या करा इसने आउटपुट में? 243.5। इसने क्या करा, जो नेगेटिव चीज थी उसको क्या कर दिया, पॉजिटिव में चेंज कर दिया। और जो पॉजिटिव रहेगा उसको क्या रखेगा, ये पॉजिटिव में रखेगा। उसने क्या कर दिया, एक नेगेटिव टर्म को किस में रख दिया, एक एब्सोल्यूट वैल्यू में कन्वर्ट कर दिया। ये माइनस में थी, ये काम आ सकती थी क्या? नहीं। उसको क्या कर दिया, उसने पॉजिटिव में कर दिया, जो कि अपनी बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। तो एबीएस फंक्शन का काम वही है, जो नेगेटिव में उसको क्या लाना, पॉजिटिव में करना, और उसको क्या बनाना, एब्सोल्यूट बनाना। डिवाइड फंक्शन, डिवाइड फंक्शन तो मेरे ख्याल से बहुत ईजी है, ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है। बट फिर भी इट इज यूज टू इंटीजर द डिविजन, डिविजन करने की हेल्प में यूज करा जाता है। सेम वही यूज करेंगे, सिंटेक्स सिलेक्ट 10 डिवाइडेड बाय 5, 5 1 5, 5 2 10। ठीक है। नाउ थर्ड है फ्लोर फंक्शन। फ्लोर फंक्शन क्या करता है, इट रिटर्न्स द लार्जेस्ट इंटीजर वैल्यू दैट इज लेसर देन और इक्वल टू अ नंबर। फ्लोर डिवीजन का काम क्या है, इट रिटर्न्स द लार्जेस्ट इंटीजर वैल्यू दैट इज लेसर देन और इक्वल टू द नंबर। जो सबसे बड़ी लार्जेस्ट इंटीजर वैल्यू होती है या उसके इक्वल टू, उसको बोला जाता है फ्लोर। फ्लोर का डिफरेंस ये होता है कि फ्लोर यानी क्या होता है, नीचे, सीलिंग या क्या होता है, ऊपर। ऐसी इसमें फंक्शन है दो, जिसको बोला जाता है सबसे पहला फ्लोर और उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, सीलिंग। तो फ्लोर फंक्शन का काम क्या है, जो नीचे वाली वैल्यू होगी उसको क्या बोलेंगे, फ्लोर फंक्शन। अब देखते हैं 2.7182 इतनी सारी वैल्यू लिखी है इसमें, सिलेक्ट द फ्लोर फंक्शन 25.75। अब फ्लोर फंक्शन में अपने कौन सी वैल्यू पुट करी, 25.75। अब इसमें से सबसे, अब अगर आप इसमें देखें तो लोएस्ट नंबर क्या हो जाएगा अपने लिए, 25, क्योंकि 0.575 लगा है। तो अगर इसको हाईएस्ट इंटीजर वैल्यू में देखेंगे तो कितना हो जाएगा ये, 26। बट अपने को किसमें बोला है, लार्जेस्ट इंटीजर वैल्यू में देखा है, और किससे बोला है, लेसर देन टू द इक्वल नंबर, यानी इक्वल नंबर के लेसर देन। तो लेसर देन में कौन सा है, 25 आएगा, सिंपल। फिफ्थ है ग्रेटेस्ट। अब वही अपोजिट हो जाएगा ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट। इट रिटर्न्स द ग्रेटेस्ट वैल्यू अमंग्स द एक्सप्रेशन, यानी अब जितने लिस्ट ऑफ एक्सप्रेशन दिया है इसमें, 32, 36, 81, 125, इसमें से सबसे बड़ा जो नंबर है वो है 125। आउटपुट में क्या आ जाएगा, 125। ठीक है, सिंपल। दिस आर द मैथ फंक्शन जो कि पांच थे। अब सेकंड बारी आती है स्ट्रिंग फंक्शन और टेक्स्ट फंक्शन की। स्ट्रिंग फंक्शन आर यूज्ड टू परफॉर्म द ऑपरेशन इन द इनपुट स्ट्रिंग्स। स्ट्रिंग्स के अंदर अपने को जो भी टास्क परफॉर्म करना है उसकी हेल्प से, उसके अंदर अपन क्या कर सकते हैं, स्ट्रिंग फंक्शन की हेल्प से अपन स्ट्रिंग फंक्शन को यूज कर सकते हैं। सबसे पहला है चार लेंथ। दिस फंक्शन इज यूज टू फाइंड द लेंथ ऑफ द वर्ड, यानी जो भी वर्ड लिखा होता है उसकी वर्ड की लेंथ को फाइंड करने के लिए कौन सा फंक्शन यूज करा जाता है, चार लेंथ। सिलेक्ट चार लेंथ हेलो। हेलो में कितने वर्ड दिए हुए हैं, 1, 2, 3, 4, 5। अब ये जो एक्सक्लेमेशन मार्क है ये भी वर्ड में काउंट होगा, इसलिए 6। आउटपुट में क्या आ गया, 6। ठीक है। अब चार लेंथ और कैरेक्टर लेंथ में माइनर सा डिफरेंस है। कैरेक्टर लेंथ क्या करता है, कैरेक्टर लेंथ जो ये स्पेसिंग होती है, जैसे मैंने यहाँ लिखा हेलो, उसके बाद ये मैंने यहाँ स्पेस छोड़ दिया, स्पेस एक्सक्लेमेशन मार्क, तो ये स्पेस को भी काउंट करेगा। तो यहाँ पर आउटपुट में क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ वर्ड्स 7। दिस इज द डिफरेंस। अब वही चार लेंथ में ये करूंगा तो ये स्पेस नहीं काउंट करेगा, ये सिर्फ वर्ड्स काउंट करेगा। कैरेक्टर लेंथ में क्या करेगा, ये स्पेस के साथ साथ वर्ड भी काउंट करेगा। देख लेते हैं, सिलेक्ट कैरेक्टर लेंथ हेलो स्पेस स्टूडेंट्स, कितने वर्ड्स हो रहे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। स्पेस को काउंट करके कितने हो रहे, 14। आउटपुट में क्या है अपना, 14, सिंपल।
थर्ड है अपना इंसर्ट स्टेटमेंट, जैसे कि अपन लास्ट वीडियो से समझते आ रहे हैं इंसर्ट का काम क्या होता है, डेटा को इंसर्ट करना, यानी जो भी टेबल है एग्जिस्टिंग टेबल है उसमें क्या करना, डेटा को इंसर्ट करना। जैसा कि इसमें लिखा हुआ है इंसर्ट इनटू डेटाबेस स्टूडेंट आईडी स्टूडेंट नेम, और वैल्यू दे दी उन्होंने, क्या क्या वैल्यू इंसर्ट करनी, उसने क्या करा स्टूडेंट आईडी स्टूडेंट नेम में वैल्यू के साथ इंसर्ट कर दिया। लास्ट है फोर्थ है अपना एलकेस, दिस फंक्शन इज यूज टू कन्वर्ट द गिवन स्ट्रिंग्स इनटू द लोअर केस, यानी अब जो भी चीज कैपिटल में लिखी होगी, यानी जो भी वर्ड्स कैपिटल में लिखे होंगे उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, ये स्मॉल वर्ड्स में, लोअर केस में। इसी का अपोजिट हो जाएगा, अगर कुछ भी चीज लोअर केस में लिखी है तो उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, अपर केस में। फॉर एग्जाम्पल दिस इज द 12th क्लास, सबका फर्स्ट वर्ड क्या है, कैपिटल। अब इसने अपन ने इनपुट लगा के चला दिया सिंटेक्स एलकेस दिस इज द 12th क्लास, आउटपुट में क्या आ गया, दिस इज द 12th क्लास विद द स्मॉल लेटर्स, ठीक है। फोर्थ है एल ट्रिम, दिस फंक्शन इज यूज टू कट द गिवन सबस्ट्रिंग फ्रॉम द लेफ्ट साइड, यानी ट्रिम का काम क्या होता है, ट्रिम करना, एक साइड से हटा देना, कट कर देना। तो ये फंक्शन का काम क्या है, एल ट्रिम, इसका जस्ट अपोजिट होगा आर ट्रिम, और सिंपल फंक्शन होगा ट्रिम। सिंटेक्स एल ट्रिम 1 2 3 1 2 3 हेलो, उसने क्या बोला है 1 2 3 को क्या करना है, ट्रिम करना लेफ्ट साइड से, तो उसने क्या कर दिया 1 2 3 को पूरा हटा दिया, आउटपुट में आ गया सिर्फ हेलो, ठीक है, इजी है। नाउ थर्ड इज डेट फंक्शन, डेट फंक्शन क्या होते हैं, डेट फंक्शन इज बेसिकली नाम में लिखा हुआ है कि डेट फंक्शन, यानी क्या होगा, या तो डेट की बात कर रहा होगा, या तो टाइम की बात कर रहा होगा, या तो डे की बात कर रहा होगा, ठीक है। तो सबसे पहला डेट फंक्शन है नाउ, इट रिटर्न्स द करंट डेट एंड करंट टाइम, सबसे सिंपल है ये कि नाउ फंक्शन का काम क्या होता है, जो करंट डेट है और जो करंट टाइम है वो बताना है, यानी अभी के हाल में अगर मैं नाउ फंक्शन चलाता हूँ तो वो मुझे क्या करेगा, आज की डेट और अभी का टाइम मुझे आउटपुट में देगा। सेम एज इट इज चलेगा सिलेक्ट नाउ फंक्शन, और आउटपुट में वो आपको करंट डेट और करंट टाइम बता देगा। सेम एज इट इज करंट डेट और करंट टाइम होगा, अगर मैंने नाउ फंक्शन में क्या हो रहा था, दोनों चीजें साथ में आ रही थी, करंट डेट और करंट टाइम। अब कर डेट में क्या आएगा, सिर्फ करंट डेट, कर टाइम में क्या आएगा, सिर्फ करंट टाइम। तो कर डेट में क्या है, रिटर्न्स द करंट डेट, एग्जांपल सिलेक्ट करंट डेट और आपको करंट डेट वो दे देगा। सेम एज इट इज करंट टाइम में अपन भी वही करेंगे, कर टाइम में क्या हो रहा है, इट रिटर्न्स द करंट टाइम, एग्जांपल सिलेक्ट कर टाइम, आउटपुट में आपको करंट टाइम मिल जाएगा। फोर्थ है एंड लास्ट, इट आर द एग्रीगेट फंक्शंस, यहाँ मैंने एक टेबल बनाया है जिसकी हेल्प से अपन सारे फंक्शंस को इजीली समझ पाएंगे, अगर उसके अंदर अपन कुछ भी फंक्शन रन करते हैं तो उसको कैसे काउंट करना है, कैसे एग्रीगेट करना है, उसमें बहुत सारी चीज़ें। यहाँ पर मैंने आईडी, नेम, मार्क्स और एज दिया है, इस टेबल की हेल्प से अपने को क्या करना है, एग्रीगेट फंक्शंस को समझना है। सबसे पहला एवरेज, एवरेज क्या करता है, बहुत सारे वैल्यूज में से एवरेज कैलकुलेट क्या करके एवरेज वैल्यू निकालता है। सबसे पहला फंक्शन है एवरेज, उसके बाद दिया हुआ है सिंटेक्स, इसमें क्या बोला गया है, सिलेक्ट एवरेज, एवरेज फंक्शन सिलेक्ट करा, कॉलम नेम, कॉलम नेम क्या है अपना स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स क्या है अपना टेबल का नेम, कॉलम नेम सिलेक्ट करा, यदि मेरे को किसी भी कॉलम में जो न्यूमेरिक कॉलम है, वन, मार्क्स, एज, मार्क्स और एज वाला जो कॉलम है ये न्यूमेरिक कॉलम है, इन्हीं दोनों कॉलम में अपन क्या कर सकते हैं, एवरेज वैल्यू निकाल सकते हैं। सबसे पहले क्या लैंग्वेज दी अपन ने निकालने के लिए, कंप्यूटिंग एवरेज मार्क्स, क्या बोल रहा है, स्टूडेंट्स के एवरेज मार्क्स निकालो, सिलेक्ट करा एवरेज फंक्शन लगाया, मार्क्स वाला टेबल सिलेक्ट करा, एज एवरेज मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट, स्टूडेंट क्या है टेबल का नाम है, स्टूडेंट्स क्या है टेबल का नाम है, आउटपुट में क्या आ गया, एवरेज मार्क्स 80, उसने कैलकुलेट कर लिया यहाँ पर एवरेज मार्क्स कितने आए सभी बच्चों को 80, यानी 80 से स्टार्ट हुए और मैक्सली 95 तक गए, तो उसने एवरेज काउंट कर लिया कि मोस्टली बच्चों के ज़्यादा मार्क्स कितने आए होंगे, 80 मार्क्स ही आए होंगे, ठीक है। सेकेंड है काउंट फंक्शन, काउंट फंक्शन का काम क्या होता है, काउंट फंक्शन इज द नंबर ऑफ रोज रिटर्न इन द सिलेक्ट स्टेटमेंट, यानी सिलेक्ट स्टेटमेंट में नंबर ऑफ रोज कितने लिखे हुए, इट कान बी यूज इन MS Excel, MS Excel में यूज नहीं कर सकते। अब इसको अपन एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं कि काउंट फंक्शन करता क्या, काउंट फंक्शन यानी क्या होता है, सिंपली जो चीजें काउंट कर सकता है, सिलेक्ट काउंट कॉलम नेम फ्रॉम द टेबल नेम, कंप्यूटिंग टोटल नंबर्स ऑफ स्टूडेंट, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स काउंट करने के लिए बोला है कि कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, सिलेक्ट काउंट एज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपन ने डिफाइन कर दिया अपने को क्या नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या काउंट करना है, उसके बाद से फ्रॉम स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, 5, टेबल में देख लेते 5 है क्या, बिल्कुल है, 1 2 3 4 5 स्टूडेंट्स। थर्ड फंक्शन है अपना फर्स्ट, यानी जो सबसे नंबर वन पे होगा, इसी का अपोजिट हो जाएगा लास्ट, द फर्स्ट फंक्शन रिटर्न्स द फर्स्ट वैल्यू ऑफ द सिलेक्टेड कॉलम, यानी अगर अपन ने जो भी कॉलम सिलेक्ट करा है, यदि आईडी या मार्क्स या वैल्यू या एज जो भी सिलेक्ट करा है, अगर उसमें से जो नंबर वन पे होगा वो क्या कर देगा, इसमें आउटपुट पे लिख देगा, ये क्या बोल रहा है, मार्क्स फेच करके बताओ, फेचिंग द मार्क्स फ्रॉम द स्टूडेंट फ्रॉम द टेबल, कैसे बोला ये, सिलेक्ट फर्स्ट मार्क्स एज द मार्क्स फर्स्ट फ्रॉम द स्टूडेंट, स्टूडेंट क्या है अपना,
टेबल का नेम, ठीक है। आउटपुट में क्या गया, मार्क्स फर्स्ट 90, चेक कर लेते हैं। नंबर वन पे मार्क्स 90 है क्या? बिल्कुल सही है, हर्ष है जिसके मार्क्स है 90। तो फर्स्ट का काम क्या था, फर्स्ट वैल्यू बताना सिलेक्टेड कॉलम की। फोर्थ है लास्ट, उसका जस्ट अपोजिट अगर मैं लास्ट वैल्यू बोलूंगा तो लास्ट क्या था उसमें आउटपुट में, इसमें दिया होगा 82। तो जिसके लास्ट मार्क्स आए होंगे 82, उसका उसमें 82 लिख दिया, यानी जो फर्स्ट है उसका फर्स्ट, जो लास्ट है उसका लास्ट, यानी कि इसमें जो भी सिलेक्टेड कॉलम से, यानी जो कॉलम सिलेक्ट करा उसी की फर्स्ट एंड लास्ट वैल्यू। फिफ्थ है मैक्स फंक्शन, इट रिटर्न्स द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द सिलेक्टेड कॉलम, यानी अगर अपन ने जो भी कॉलम सिलेक्ट करा है उस कॉलम की क्या करता है, सिलेक्टेड वैल्यू अपने को ये बताता है। सिलेक्ट मैक्स कॉलम नेम सेम फ्रॉम टेबल नेम, फैचिंग द मैक्सिमम मार्क्स फ्रॉम द अमंग स्टूडेंट्स फ्रॉम द स्टूडेंट्स, यानी स्टूडेंट टेबल में से जो मैक्सिमम मार्क्स जिसको आए उसको ये क्या करने का बोल रहा है, फैच करने का बोल रहा है। तो इसने आउटपुट में 95 दे दिया, अब अपन देख लेते हैं सबसे ज्यादा मार्क्स किसको आए इसमें, 1, 2, 3, 4 चौथे नंबर पर जय है जिसको आए हैं 95 मार्क्स। तो बिल्कुल करेक्ट है, 95 मार्क्स उसने आउटपुट में अपने को दिया हुआ है। तो ऐसे ही एवरेज फंक्शन, एवरेज केस, एवरेज फंक्शन, लास्ट फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन, सिलेक्ट फंक्शन, काउंट फंक्शन, ऐसे बहुत सारे फंक्शंस हैं जिसमें बहुत सारे फंक्शन, बहुत सारी फैसिलिटीज़ है। तो दीज आर द फाइव्स जो कि मेन थे। आज के वीडियो के लिए इतना ही था। अगर इन वीडियो में, अगर इन टॉपिक्स में आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।